हेलो गाइस, दिस इज़ विजय कुमार राठौड़ FCSA JNV सुरेंद्रनगर। आज हम CCT 5 एग्ज़ाम के लिए आंसर शीट कैसे बनानी है उसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको A4 साइज़ का पेपर लेना रहेगा, उस पे स्कूल का पूरा नाम जवाहर नवोदय विद्यालय सुरेंद्रनगर CCT 5 एग्ज़ाम 2020 लिखना रहेगा। उसके बाद डेट और नेक्स्ट स्टूडेंट फुल नेम आएगा, स्टूडेंट का जो नाम है आपको कैपिटल्स में ही लिखना रहेगा। नेक्स्ट आएगा स्टूडेंट का स्टैंडर्ड और डिवीज़न। नेक्स्ट आपको एक टेबल फॉर्मेट बनाना रहेगा, टेबल के अंदर क्वेश्चन नंबर आंसर देन मार्क्स के लिए एक बॉक्स बनाना रहेगा। जो मार्क्स सेक्शन है वो टीचर्स ही यूज़ करेंगे। आपको यहाँ पर टोटल 1 से 30 तक क्वेश्चन मिलेंगे, उसके अंदर जो क्वेश्चन रहेंगे वो MCQ टाइप के रहेंगे। उसमें से आपको A, B, C या तो D एक्सेस करना है, लिखना रहेगा क्लियर वर्ड्स में। नेक्स्ट स्टूडेंट सिग्नेचर बॉक्स बनाना रहेगा और लास्ट में टीचर्स सिग्नेचर बॉक्स बनाना रहेगा। ये फॉर्मेट बनाने के बाद आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी रहेगी, या तो आप वो एप्लीकेशन एडवांस में भी इंस्टॉल करके रख सकते हैं। उसका नाम है टाइनी स्कैनर, TINY स्कैनर। टाइनी स्कैनर में ऑटोमेटिकली ही जब भी आप कुछ भी स्कैन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो कंटेंट है वो क्रॉप कर लेगा। जनरली आप दूसरे स्कैनर्स के द्वारा जब भी स्कैन कर रहे हैं तो उसके अंदर जो भी डिटेल्स है वो कभी कभार ब्लर हो जाती है। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन यूज़ करने से जो भी आपका आंसर शीट जनरेट होगा वो आंसर शीट क्लियर होगा। सो उसकी डाउनलोडिंग लिंक मैं यहाँ पर वीडियो के अंदर ऐड कर रहा हूँ। फॉर फर्दर क्वेरीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका डेफिनेटली आंसर दूंगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड शेयर।